हेलो एंड वेलकम टू दी ऑलीवुड मैं सुब्रत मोहन आप लोग के बीच में फिर से एक बार बेटा आप सभी का स्वागत करता हूं आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आप लोग के बीच में हम लोग आज बेटा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट करने वाले हैं जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का बेटा आप जो भी एग्जाम को देते होंगे आपको कहीं ना कहीं दिख जाते होंगे कुछ नाम जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय बहुत सारे ऐसे बेटा प्रसिद्ध नाम है जो आप लोग को एग्जाम में दिख जाते होंगे है ना तो सारे बच्चे सारे बच्चे भैया फटाक से आ जाइए सारे बच्चे फटाक से आ जाइए भैया सारे बच्चे फटाक से आ जाइए ठीक है क्या सभी चीज क्लियर है एक बार सारे बच्चे बता दे इज इट एवरीथिंग इज विजिबल और ऑडिबल क्या मेरी आवाज सभी को बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है और सारे वीडियोस दिख रहे हैं एक बार बेचा बेटा सारे लोग कमेंट करके बता दो एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दो बेटा एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दो एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कि क्या सभी को मैं दिख पा रहा हूं सुन पा रहा हूं सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दें आकांक्षा जी वेरी गुड इवनिंग पूर्णिमा चौहान जी वेरी गुड इवनिंग ऋषभ जी गुड इवनिंग स्तुति जी गुड इवनिंग मोहन जी गुड इवनिंग आकांक्षा चौहान यस सर पूर्णिमा जी ओके ओके काफ़ी बच्चों का आंसर यस सर आ रहा है थैंक यू ओके बेटा थैंक यू फॉर योर कमेंट ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों तक आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है ठीक है ऑल थिंग्स क्लियर थैंक यू भावना जी नमस्ते नमस्ते भावना जी बेटा आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे तो एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए और जो बच्चे जो बच्चे अभी बेटा लाइव हैं उतने बच्चे कम से कम लाइक कर दीजिए उतने बच्चे कम से कम लाइक कर दीजिए वीडियोस ठीक है हम लोग हम लोगों का आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है बिलीव मी और मैं आप लोगों से अब एक ही टाइम मिला कर दो टाइम मिला करूंगा एक करेंट अफेयर्स के टाइम पे बेटा आठ से नौ और एक पाँच से छः में आप लोग को ये वाला सेशन जो यूट्यूब की सेशन चल रही है उसमें मिला करूंगा है ना तो सारे बच्चे फटाक से आ जाओ भैया लाइव और इस शानदार सेशन को और भी शानदार बनाते हैं आप लोगों के साथ बेटा विथ योर प्रेजेंस चलो लेट्स रॉक लेट्स रॉक विथ दैट सेशन बेटा चलिए सारे बच्चे फटाक से आ जाइए चलिए बेटा सारे लोग फटाक से आ जाइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं बेटा Uh, सबसे पहली अगर हम बात करें सबसे पहला अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय कौन नहीं जानता है बेटा इस नाम को इस नाम को कौन नहीं जानता है राजा राम मोहन राय इस नाम को बेटा कौन नहीं जानता है ठीक है ये एक ऐसा नाम है जिसको सभी लोग जानते हैं क्यों क्योंकि बेटा हमारे 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 भारत में सर जनरल पी वाले ई सर्टिफिकेट लगा सकते हैं बेनिफिट्स मिलेंगे दोनों का पी डब्ल्यू और ई डब्ल्यू इसका बेटा एक ही बेनिफिट्स मिलता है दो बेनिफिट्स एक साथ नहीं मिल सकता ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है प्लीज सर रिप्लाई दो बेटा आप ही को बता रहा हूँ एक साथ एट अ टाइम एक ही बेनिफिट आप उठा सकते हो दो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकता है ठीक है चलिए भैया तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय बेटा क्यों ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं सभी को पता है भैया भारत में बहुत प्राचीन समय में एक बहुत ही आ, आप बोल सकते हो बेकार सा रीति चल रहा था सती प्रथा सती प्रथा क्या था बेटा किसी के भी हस्बैंड अगर डेथ कर जाते थे किसी भी कारणवश तो उनकी बीवियों को सती कर दिया जाता था जिंदा जलवा दिया जाता था जला दिया जाता था और उस तरह उनकी भी मृत्यु हो जाती थी तो राजा राम मोहन राय का नाम जब भी हम लोगों के दिमाग में आता है तो सभी के लोगों के दिमाग में क्या आता है बेटा सती प्रथा का नाम आता है सती प्रथा का बेटा आ जाता है कि सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था कब अठारह में जब एक सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट बन गया था जब वो लीगलाइज उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था बेटा ठीक है तो चलिए इसी के साथ बेटा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मनीष जी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलिए बेटा इसी के साथ इस सेशन को आज स्टार्ट करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं राजा नाम मोहन राय के बारे में तो इनके बारे में एक चीज तो समझ लीजिए बेटा सबसे पहले ये बात कि मोनोथेइज्म बेटा एकेश्वरवाद एक ईश्वर वेदांता ये ये वेद 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 की बेटा, वेद की ओर ओर बेटा चलो की बात किए हैं इन लोगों का कहना था राजा नाम मोहन राय और इनके एसोसिएट्स का कहना था कि ईश्वर एक है कैसा है ईश्वर एक है हम लोगों को वेदांता यानी कि वेद की ओर क्या करना चाहिए चलना चाहिए सारे सारे चीजों का ज्ञान आपको वेद की तरफ मिलेगा और इसी को बहुत ही ज्यादा ये प्रभावित करने के लिए बेटा इसी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने के लिए इन्होंने बेटा बंगाली में बंगाली में वेद की क्या की थी रचना की थी वेद जो लिखा गया था उसको बंगाली में कन्वर्ट किया और जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए थे उनको वेद का बेटा महत्व पता चल सके तो मोनोथेजम बेटा मोनोथज एक ईश्वर है किसने आपके राजा राम मोहन राय साहब ने बात किया अगर हम राजा मोहन राय की ही बात कर रहे हैं बेटा तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह कोई बात नहीं ऋषभ जी कोई बात नहीं निशान जी कोई बात नहीं इट्स ओके okay. कोई नहीं लेट नहीं हुआ है ज्यादा लेट नहीं हुआ है अगर हम बेटा राजा राम मोहन राय के के बारे में ही बात कर रहे हैं तो 1814 में बेटा कब 1814 में 1828 में इन्होंने दो काम ऐसा कर दिया था जिससे इनको पूरी दुनिया याद करने लगी थी पूरी दुनिया याद करने लगी थी इन्होंने क्या किया था सबसे पहले बेटा आत्मीय सभा आत्मीय सभा बेटा आत्मीय सभा का क्या किया था आत्मीय सभा का गठन किया था आत्मीय सभा को इन्होंने शुरुआत किया था सभा बेटा ठीक है कब किया था 1814 में किया था ये क्या था बेटा सभा था बेटा एक फ्रेंड फ्रेंट, करना है कैसे काम करना है बेटा दोस्तों की तरह काम करना है मतलब एक सोसाइटी ऑफ फ्रेंड की तरह काम करना है आत्मीय सभा में आत्मीय सभा में की तरह काम करना है और इसमें जोर इसमें किसमें इसमें जोर क्या दिया था बेटा जितना भी ज्यादा हो मोनोथइज एकेश्वरवाद एक ईश्वर साथ ही साथ बेटा जितने भी कास्ट रिजिडनेस है यानी कि हमारे यह जातीय प्रथा जो है उसके अलावा बेटा जो वुमेन्स के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स थी जैसे उनको एजुकेट नहीं किया जाता था विडो हो जाती थी वो या बेटा हम लोग सोशल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे सामाजिक जितने भी बेटा सुधार को पढ़ेंगे समाज के सुधार से तो आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था बेटा अठारह में हुआ था किसके इसके द्वारा हुआ था बेटा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बेटा ठीक है और अठारह में ब्रह्मो सभा ब्रह्मो सभा ब्रह्मो सभा बेटा ब्रह्मो सभा बेटा याद रखना दिस इज कॉल्ड सभा दिस इज कॉल्ड सभा जिसको राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था बेटा वो सभा था 1828 में और बाद में इसका नाम जाके ब्रह्मो सभा अ, सभा हो जाता है ठीक है ब्रह्मो सभा हो जाता है बेटा क्या हो जाता है सॉरी ब्रह्म समाज हो जाता है क्या होता है बेटा बाद में ब्रह्मो समाज हो जाता है ठीक है तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड द ब्रह्म समाज बेटा एंड द ब्रह्म समाज एंड द ब्रह्म समाज चलिए बेटा राजा राम राममोहन रॉय अ ग्रेट रिफॉर्मर एक बहुत ही बड़े सुधारक थे बेटा इन इनका टाइम पीरियड क्या था 1772 से 1833 था क्या था बेटा 1772 से 1833 था बेटा क्या था 1772 से 1833 था 1772 से 1833 था, था बेटा ठीक है अगर बात करते हैं इनके बारे में और अगर इनके बारे में और बात करते हैं बेटा फादर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इनको क्या कहा जाता था इंडियन ऑफ इंडियन ऑफ इंडियन रेनिजेंस इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया बेटा बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन भारतीय बेटा भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है साथ ही साथ बेटा आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया है इनको क्या कहा गया है आधुनिक भारत का निर्माता और क्या कहा गया बेटा और इनको क्या कहा गया है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा गया है राजा राम मोहन राय को कहा गया है राजा राम मोहन राय को बेटा क्या कहा गया है भारतीय पुनर्निर्माण का जनक भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया है राजा राम मोहन राय को कहा गया है ठीक है तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है साथ ही साथ बेटा आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है बेटा इनको ये ये पॉइंट बात याद रखना क्वेश्चन में पूछेगा आपसे क्वेश्चन में पूछता ही है बेटा ठीक है इसके बाद इन्होंने बेटा किस चीज की बात की है एकेश्वरवाद बेटा एक ईश्वर एकेश्वरवाद एक ईश्वर की बात की है किसने राजा राम मोहन राय ने बेटा इसके ऊपर जितने भी सोशल रिफॉर्म्स है बेटा हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे बेटा तो सारे लोग बने रहिएगा ठीक है इन्होंने बेटा एकेश्वरवादी को, को एक, एकेश्वरवादी के बारे में लिखा है साथ ही साथ बेटा बंगाली में बेटा बंगाली में वेद और पांच उपनिषदों की अनुवाद भी किया है ताकि यह साबित कर सके कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ समर्थन करते हैं एकेश्वरवाद के बारे में अगर बात करते हैं बेटा अगर एकेश्वरवाद के बारे में बात करते हैं ठीक है अब बात करते हैं 1814 सौ ईस्वी की तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या क्या किया 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 था 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 बेटा आत्मीय सभा का गठन ही ही सेटअप इन्होंने क्या किया था बेटा आत्मीय सभा का गठन किया था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं आत्मीय सभा को सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं बेटा जिसको राजा राम मोहन राय ने क्या किया था गठन किया था ठीक है अगर हम बात करते हैं इसको कहां किया था तो कलकत्ता में किया था ठीक है एंड ही डिक्लेयर दैट वेदांता इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड दैट इफ रीजन डिमांडेड इट इवन अ डिपार्चर फ्रॉम जस्टिफाइड अठारह सो चौदह ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का गठन किया और उन्होंने यह घोषणा की कि वेदांता कारण पर आधारित है वेदांता यानी कि वेद किस पर आधारित है कारण पर आधारित है ठीक है और यदि कारण की मांग हो तो शास्त्रों से हटाना भी उचित है दिस इज टोल्ड बाय राजा राम मोहन रॉय दिस इज टोल्ड बाय राजा राम मोहन रॉय ठीक है आदर्श जी गुड इवनिंग चलो भैया द समाज वॉज कमिटेड टू इसको अगर निचोड़ बताएं तो मूर्ति पूजा का इसमें क्या किया गया है बेटा निंदा किया गया कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए बेटा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है समाज मूर्ति पूजा और अर्थहीन कर्म कांडो के विरोध में समाज मूर्ति पूजा समाज मूर्ति पूजा और अर्थहीन कर्म कांडो के विरोध में शाश्वत अचिंत्य अपरिवर्तनीय होने की पूजा और आराधना करता है जो ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक हैं के लिए प्रतिबद्ध था तो आइडियोलॉज आइडियोलॉजी वर्शिप्स के खिलाफ इसमें बातें की गई है बेटा ठीक है मूर्ति पूजा के खिलाफ बातें की गई है ठीक है

तो राधाकांत के द्वारा बेटा धर्म सभा का गठन कर दिया गया था जो इसको काउंटर कर रहा था किसको ब्रह्म सभा को बेटा करने के लिए, कांत देव के दिया दिया लिए। ये सती होना सही है जो औरतें सती होती है उनका होना सही है बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए ये सारी बातें राधाकांत देव की धर्म सभा इसमें सपोर्ट किया जाता था जो कि ब्रह्म समाज के अपोजिशन में था ब्रह्म समाज के अपोजिशन में था ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके बारे में ब्रह्म समाज प्रोप अगर इसके बाद और बात करते हैं राजा राम राजा राम की बेटा डेथ कब हो जाती है अठारह में लेकिन इन्होंने कुछ बातें कही थी जैसे कि इट उंस द पॉलिथिज्म एंड आइडियल वर्शिप्स। इन्होंने क्या कहा है बेटा? इसने बहु देववाद और की निंदा की है पूछता आप है, बहु, बहु है आपको या मूर्ति पूजा नहीं करनी है ऐसी बातें किसने की थी राजा राम मोहन राय ने की थी बहुदेववाद और बेटा मूर्ति पूजा के खिलाफ इन्होंने बात की है साथ ही साथ बेटा इसने दिव्य अवतारों को या किसी का कोई अवतार ले ले रहा है ये ले रहा है उसके भी निंदा की है इन्होंने कोई अवतारवाद नहीं होता किसी का कोई अवतार नहीं होता है यह बात इन्होंने कहा है तो इन्होंने दिव्य अवतारवाद में विश्वास को त्याग दिया है इसके बाद बेटा और भी छोटी छोटी बातें कही है इनमें और छोटी छोटी बातें कही इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की है जाति व्यवस्था जो ऊंच जात, जात होता है उसकी इन्होंने क्या किया बेटा उसकी निंदा की है इन्हों आलोचना किया है और भी बहुत सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं राजा राम मोहन रॉय इन ए, ए, इन एफोर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म बेटा हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है मुस्कान जी वेरी गुड इवनिंग सॉरी फॉर द लेट इट्स ओके बेटा डोंट वरी तो बेटा राजा राम मोहन रॉय एफर्ट्स एट द सोशल रिफॉर्म्स तो राजा राम मोहन राय वॉज डिटरमाइंड क्रू, क्रूसाइडल अगेंस्ट द इन ह्यूमन प्रैक्टिस बेटा इन ह्यूमन प्रैक्टिस क्या था सती ये नाम से सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है यह 1818 में इन्होंने इसके खिलाफ स्टार्ट किया था और जाके 1828 के बाद इनके प्रयासों से अठारह में उसे में बेटा क्या होता है सर विलियम बेंटिक उस समय क्या थे बेटा गवर्नर थे उन्तीस में सर विलियम बेंटिक बेटा क्या थे उस समय क्या थे आपके गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा इनके मदद से राजा राममोहन राय के मदद से इसको क्या बना दिया गया था बेटा इसको गैर कानूनी बना दिया गया था सती प्रैक्टिस को अठारह ठीक है तो सती प्रथा को क्या बना दिया गया था गैर कानूनी बना दिया गया था ठीक है तो राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ एक योद्धा थे उन्होंने 1818 में अपना सती विरोधी संघर्ष शुरू किया था ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तो उन्होंने 1817 सो ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया था जबकि रॉय के जबकि रॉय के अंग्रेजी स्कूल में यांत्रिकी और के दर्शन को पढ़ाया जाता था यानी कि देखो बेटा ये वेस्टर्न 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 स्कूल के थॉट को मॉडल ऑफ एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे यानी कि बेटा जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो तरीका था वो चाहते थे कि हमारे यहाँ के तरीका के साथ वो मिक्स होकर हम लोग उसको पढ़ाई करें हम लोग बेटा साइंटिफिक तरीके से भी ग्रो करें ये चाहते थे राजा राम मोहन रॉय ठीक है उन्होंने बेटा 1870 सत्तर ईस्वी में अठारह ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए तो एक तरह से तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहां से ये मिल गया कि हिंदू कॉलेज की स्थापना स्कूल में रॉय के अंग्रेजी स्कूल में, में यांत्रिकी बेटा के दर्शन को पढ़ाया जाता था और 1825 सौ ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा बेटा इंडियन एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन को और भौतिकी विज्ञान को यानी कि बेटा फिजिकल साइंस को भी क्या किया गया दोनों के पाठ्यक्रम को पेश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के एक प्रति, प्रतिभाशाली भाषाविद भा, थे और इन्होंने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की है और अधिकतम लगान तय करने की भी मांग की है ये कुछ बातें थी राजा राम मोहन राय के बारे में ये कुछ बातें थी राजा राम मोहन राय के बारे में ठीक है अब आ जाओ बेटा अब आ जाओ मैंने आपको एक अभी ये, ये बता रहा था ठीक है 1842 में बेटा 1842 में 1842 ईस्वी में बेटा देवेंद्रनाथ टाइगोर कौन देवेंद्र देवेंद्रनाथ टाइगोर ये कौन थे बेटा ये हमारे रविंद्र नाथ टाइगोर के पिता थे रविंद्र नाथ टाइगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ नाथ टाइगोर देवेंद्र नाथ टाइगोर कौन थे बेटा रविंद्र नाथ टाइगोर के पिता थे और 1842 सो ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मो सभा को क्या किया बेटा ज्वाइन किया ही ज्वाइन द ब्रह्मो सभा इन 1842 बिफोर दैट इसके पहले बेटा देवेंद्रनाथ नाथ टाइगोर बेटा अठारह सो ईस्वी में अठारह ईस्वी में बेटा तत्व बोधनी सभा कौन सी सभा तत्व बोधनी सभा में ये क्या थे बेटा इस उसमें इंक्लूड थे तत्वबोधनी तत्वबोधनी सभा तत्वबोधनी सभा ठीक है इसमें क्या थे, बेटा? ये कर रहे थे. और क्यों क्योंकि बेटा डेथ हो गई थी राजा राम मोहन राय की बेटा, हो चुकी थी 1833 में तो बेटा उनको एक क्या चाहिए था आचार्य चाहिए था इसलिए अठारह सो ईस्वी में इसको जो आपके देवेंद्र टैगोर थे इन्होंने क्या किया बेटा इसको ज्वाइन किया और उसके आचार्य बने थे उसके आचार्य बने थे ठीक है तो बेटा अठारह में इसके पहले ये क्या थे तत्व बोधनी सभा के क्या थे बेटा मेंबर थे उसमें काम कर रहे थे कौन राजा राम मोहन रॉय सॉरी देवेंद्रनाथ टाइगोर तो देवेंद्र नाथ टाइगोर एंड द ब्रह्मो समाज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं बेटा नाथ टाइगोर और समाज 1842. 1842 में इस सभा को ज्वाइन किया एंड टाइगोर हेडेड द इसके पहले वो किसको हेड कर रहे थे बेटा तो आई हैव टोल्ड यू कि तत्व बोधनी सभा को इसके पहले वो हेल्ड कर रहे थे कब ये फाउंड किया गया था 1839 में फाउंड किया गया था तत्व बोधनी सभा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और मेरे जो एमसीक्यूज भी होंगे बेटा सब चीजों आधारित होने वाले हैं मेरे क्या जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं सब चीजों पर पूछे जाते हैं बहुत बार पूछा तत्व तो बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे उसको हेड कौन कर रहा था तो बेटा आपके महर्षि देवेंद्रनाथ टाइगोर थे जो रविंद्रनाथ टाइगोर के क्या थे बेटा पिता थे ठीक है इट्स ऑर्गन पत्रिका इन बेंगाली वॉज डिवोटेड टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास एंड रेशनल आउटलुक एंड टू द प्रोपगेशन ऑफ राजा राम मोहन राइज आइडियाज एंड द ब्रह्मो समाज ये राजा राम मोहन के आइडिया को और भी ज्यादा क्या कर रहे थे बेटा आगे बढ़ा रहे थे

केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन देखिए बेटा ये ब्रह्म समाज का ही अभी बात चल रहा है जो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था अठारह सो ईस्वी में उसी की बात चल रही है बेटा अठारह सो बयालीस के बाद अट्ठारह सो अंठावन ईस्वी में 1858 में देवेंद्रनाथ टाइगोर बेटा देवेंद्रनाथ टाइगोर केशव चंद्र सेन को केशव चंद्र सेन को इसके आचार्य बनाते हैं किसके आचार्य बनाते हैं ब्रह्म समाज के बेटा ब्रह्म सभा के आचार्य बनाते हैं किसको कौन बनाता है बेटा देवेंद्र नाथ टाइगोर किसको बनाते हैं केशव चंद्र सेन को और ऐसा नहीं था कि केशव चंद्र सेन के आचार्य बनने से आपके ब्रह्म समाज को लॉस हुआ था बहुत ही ज्यादा ये विस्तार किया था बेटा इट एक्सपेंडेड होल ऑफ द बेटा इंडिया ये केवल बंगाल में जो चल रहा था केशव चंद्र सेन के आने के बाद बेटा ये आपके उत्तर प्रदेश बॉम्बे पंजाब मद्रास और भी जितने छोटे छोटे जगह थे वहां तक यह फैला था केशव चंद्र सेन के जुड़ने के बाद लेकिन बेटा लेकिन केशव चंद्र सेन का जो नजरिया था वो नजरिया इनकी जो आइडियोलॉजी थी किसकी जो ब्रह्म सभा की आइडियोलॉजी थी से उससे वो डिफरेंट होने लगी आफ्टर हिज मेकिंग ऑफ आचार्य जब वो आचार्य बन गए थे तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो कि ब्रह्मोसभा के आइडियोलॉजी से डिफरेंट था जैसे कि इसमें इन्होंने कॉस्मोपोलिटाइजेशन की बात की थी बहुत सारे धार्मिक अलग अलग धर्म के लोगों को इसमें क्या किया एंट्री किया और उनके विचार को रख के इस सभा को चलाने का कोशिश किया साथ ही साथ बेटा ये इंटरकास्ट मैरिज पर क्या किए छूट दिए कि लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकता है ये किसने बात बोला था केशव चंद्र सेन ने और इतना ही नहीं बेटा इन्होंने इन्होंने अपने तेरह साल की महज बेटी का शादी एक माइनर हिंदू राजा से कर दिया था बिरार कुछ के राजा के बेटा से कर दिया था केशव चंद्र सेन ने तो ये सारी आइडियोलॉजी को देख के कास्ट रिजिडनेस को देख के इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट करने के नजरिए को देख के बहुत सारे धार्मिक लोगों को इसमें इंक्लूड करना चाहते थे केशव चंद्र सेन तो इससे इनको बेटा अठारह में आचार्य के पद से हटा दिया गया केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से हटा दिया गया और जैसे ही केशव चंद्र सेन को हटाया जाता है तो केशव चंद्र सेन बेटा अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं और जो पुराने वाला ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया आदि ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ वाले पार्ट को कह दिया गया और केशव चंद्र सेन को जब आचार्य के पद से हटाया गया और केशव चंद्र सेन जब आचार्य के पद से हटके अपने फॉलोअर के साथ एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिए उसको ब्रह्म समाज कहा गया लेकिन पुराने वाले को आदि आदि मतलब पुराना आदि ब्रह्म समाज कहा गया जो शुरू से चलता आ रहा था वो इतना ही नहीं बेटा यहीं पे ये लोग नहीं रुका केशव चंद्र सेन के जितने भी फॉलोअर्स थे केशव चंद्र सेन के जितने भी फॉलोअर्स थे बेटा उन्होंने क्या किया कि केशव चंद्र सेन से फिर से उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आने लगा जैसे कि जैसे आप बोल सकते हो बेटा आनंद मोहन बोस और शिव सेन ये सब जितने भी लोग थे ये लोग देख रहे थे कि केशव चंद्र सेन किसी की आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे थे ये अपनी आइडियोलॉजी थे इन्होंने महज साल की उम्र में में अपनी बेटी का शादी एक हिंदू राजा से से कर दिया कास्ट मतलब सारा फिर से इनके बीच में क्या लगा? आने लगा आइडियोलॉजी डिफरेंस आने लगा किसमें बेटा ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया सर हिस्ट्री की क्लास में ऊपर में पॉलिटी की क्लास लिखी हुई है अच्छा सॉरी मैं इसको चेंज करा दूंगा रिचा जी इसको चेंज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो बेटा जब आपके केशव चंद्र सेन के बारे में केशव चंद्र सेन के बारे में बेटा क्या हुआ कि जब इनकी आइडियोलॉजीज इन्हीं के ग्रुप में टूटने लगी तो इन्होंने फिर से ब्रह्म समाज को तोड़ दिया इन्होंने फिर से ब्रह्म समाज को तोड़ दिया और इनके फॉलोअर्स जो केशव चंद्र सेन से अलग हुए उन्होंने बेटा एक नया आपना ब्रह्म समाज स्थापना कर दिया जिसका नाम था साधारण ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा ठीक है साधारण ब्रह्म सभा का स्थापना कर दिया कौन आनंद मोहन बोस शिव चंद्र सेन इन लोगों ने मिलकर बेटा अलग कर दिया ठीक है इन लोगों ने मिलकर अलग कर दिया ओके ठीक है तो चलिए बेटा केशव चंद्र सेन एंड द एंड्रो समाज मुझे लगता है कि कुछ आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला है उसी को एक बार डिक्टेट कर देता हूं बेटा उसी को एक बार डिक्टेट कर देता हूं ब्रह्म समाज के ऊर्जा में एक और चरण का अनुभव किया गया जब केशव चंद्र सेन अठारह सो अड़तीस को और देखिए अठारह में समाज में जब शामिल हुए होने के तुरंत बाद देवेंद्र टैगोर द्वारा आचार्य इनको बना दिया गया था ठीक है केशव जिसके केशव इन्होंने बेटा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में सहायक थे और समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बेटा संयुक्त प्रांत पंजाब पंजाब उत्तर प्रदेश पंजाब बॉम्बे मद्रास और अन्य शहरों में खोला ठीक है इसके अलावा बेटा केशव चंद्र सेन को अठारह ईस्वी में अठारह ईस्वी में आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया गया क्यों कर दिया गया बेटा मैंने आपको बताया था आइडियोलॉजिकल आ रहा था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस आ रहा था इस कारण को क्या कर दिया आचार्य के पद से बेटा हटा दिया गया था ठीक है और केशव और उनके अनुयायियों में अठारह ईस्वी में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की जबकि देवेंद्र नाथ टाइगोर के समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया जो केशव चंद्र सेन वाला था उसको क्या कहा गया बेटा उसको कहा गया ब्रह्म समाज और जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था उसको क्या कहा गया आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला बेटा सेक्शन था फिर से क्या होता है 1878 ईस्वी में 1878 में केशव के घृणित केशव के घृणित अनुयायियों ने एक नया संगठन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी और इसमें कौन-कौन शामिल -कौन थे बेटा तो इसमें आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र देव और उमेश कांत दत्त ये लोगों ने मिलकर क्या कर दिया साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी साधारण ब्रह्म समाज की बेटा स्थापना कर दी ठीक है तो आप देख सकते हैं जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो 1878 तक आते आते कितने भागों में बट गया था पहले था ब्रह्म सभा उसके बाद ब्रह्म समाज हुआ, ब्रह्म समाज समाज हुआ के बाद बेटा ये दो पार्ट में टूटा आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्राथ टैगोर वाला सेक्शन था और ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र से वाला सेन वाला फैक्टर था और केशव चंद्र से फिर टूट के ब्रह्म समाज और क्या बन गया बेटा साधारण ब्रह्म समाज जिसमें कौन थे बेटा इसमें आनंद आनंद मोहन बोस थे और आपके कौन थे बेटा शिव चंद्र देव और

Uh, पहचाना आपने किंग uh, जी हमको लगता है अभी कश्यप होंगे आप मुस्कान जी यस yes, सर तो आई थिंक बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना चलिए बेटा नेक्स्ट बात, नेक्स बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है बेटा तो इन्होंने हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा uh, क्या किया था बेटा आगे बढ़ाया था ठीक है अगर अब हम बात करते हैं बेटा प्रार्थना समाज अभी हियर सर यस आई कैन रिकॉग्नाइज यू अभिषेक फिर से कौन आया बेटा एक नया समाज आया ब्रह्म समाज के बाद प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज जो था बेटा ये आत्मा राम के द्वारा शुरू किया गया था के सब चंद्र से इनकी सहायता से

अगर हम बात करते हैं इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें इस इसका और पॉइंट कहां गया इंग्लिश वाला प्रसर ऑफ द प्रार्थना समाज इसके पहले प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के पहले इसका एक जो सेक्शन था उसको क्या बोला जाता था परम हंस सभा बोला गया था परम हंस सभा इसमें ये एक, एक सेक्रेट थी बेटा जो लिबरल आइडियाज को लिबरल आइडियाज को आप किस तरह से अपनी आजादी के बारे में सोच सकते हैं उसके बारे में इसमें बात किया गया था उसके बारे में इसमें बात किया गया था ठीक है इनकरेज द ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट सिस्टम देखिए कास्ट सिस्टम उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था जातिवाद जातिवाद ये जो सोशल ये जो सोशल रिफॉर्म बेटा तीन चार मुद्दों पे ही आधारित था औरतों के औरतों का कैसे? पुनर था, उनकी को के पुनरुत्थान साथ साथ ब्रा, से उसको कम करने की बात की गई है तंत्र मंत्र से दूर रहने की बात की गई है बहुत सारे आपको जितनी भी सामाजिक कुरीतियां उसके दूर करने की बात की आंदोलन क्या सामाजिक सुधार आंदोलन ठीक है यू आर अ गुड सिंगर एज वेल नो नो आई एम नॉट अ गुड सिंगर बेटा ठीक है तो ब्रेक डाउन ऑफ द कास्ट एंड कॉम्यूनल बैरियर्स की बात की गई है किसमें बेटा इसमें और इसी समाज को प्रार्थना समाज को बेटा 18 कब किया गया था 1872 में बेटा 1872 में इसको प्रार्थना समाज को ज्वाइन किसने किया था महादेव गोविंद रनाडे ये बेटा बहुत ही पर्सनैलिटी नाम इस नाम को याद रखना महादेव गोविंद रनाडे जो थे बेटा ये प्रार्थना समाज को कब ज्वाइन कर लिए थे 1872 में और उसके 1870s में और उसके बाद से बेटा ये जो प्रार्थना समाज था बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ गया था क्योंकि महादेव गोविंद रनाडे एक बेटा बहुत ही नामी पर्सनैलिटी थे बहुत ही नामी पर्सनैलिटी थे ठीक है इसमें और भी लोग बाद में जुड़े चंद जाके जुड़े पीवी जी जाके जुड़े तो इसमें क्या किया गया था बेटा इसका एजेंडा क्या था साथ ही साथ बेटा जो पुरुष और महिला के शादी का उम्र था पुरुष और महिला के शादी का उम्र था उसको बढ़ाने की बात की गई थी प्रार्थना सभा में प्रार्थना सभा में ठीक है प्रार्थना सभा में नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम Very important, Young Bengal Movement. यंग बेंगाल मूवमेंट बेटा उसको किसने शुरू किया था इसको हेनरी हेनरी विवियन विवियन ने ने शुरू शुरू किया किया था किसने एंग्लो इंडियन बेटा यंग इंडियन थी हेनरी ये आपके हिंदू कॉलेज बनारस में है उसकी उसकी टीचर भी रह चुकी थी लिबरल थॉट्स को लेके आजादी आजादी आपको इनतियों से दूर रहना लिबरल आजादी रेडिकल आजादी उसके बारे में बात किया किसने बेटा हेनरी साहब ने हेनरी साहब ने ठीक है तो 1820 से 1830 के समय में 1820 से 1830 के समय में यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोज़ियन बेटा हु टॉट एट द इन्होंने शिक्षा इन्होंने शिक्षा भी दिया है हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 में वाज द लीडर ऑफ लीडर एंड इंस्पायरर ऑफ दिस प्रोग्रेसिव ट्रेंड ठीक है ये इसकी लीडर थी इनका बेटा क्या था जितने भी सोशल कंडीशंस हैं उसको सुधारने की बात इन्होंने किया था इन्होंने कोई मुख्य मुद्दा नहीं उठाया था इन्होंने सामाजिक सुधार की एज अ होल बात किया था कोई मुख्य बिंदु नहीं उठाया था कोई मुख्य बिंदु नहीं उठाया था एज अ होल इन्होंने सामाजिक सुधार की बात की थी हेनरी विवियन डेरोजियन ने इन्होंने बेटा यंग बंगाल मूवमेंट यूथ को बेटा यूथ को जितने भी यूथ लोग हैं उसको इंस्पायर करने के लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट था लिबरल थिंकिंग को लेके और रेडिकल थिंकिंग को लेके इन्होंने ने क्या किया था बेटा इसमें काम किया था ठीक है नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करते हैं कौन से सभा के बारे में आ जाइए भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिएगा कैसे सी हाउ आइडियाज हैप्पी हैप्पी ब्लेंड ब्लेंड ऑफ ऑफ बेटा इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट इनका जो थिंकिंग था हमारे भारतीय और वेस्टर्न पश्चिमी देशों के थिंकिंग को मिला, के, मिला मिला जुला थिंकिंग था इनका ब्लेंड था यानी कि ये भारतीय वाले थिंकिंग को भी मानते थे और विदेशी जो मतलब आप बोल सकते पश्चिमी देशों के जो कल्चर्स थे दोनों कल्चर्स को मिला के ये काम करना चाहते थे कौन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके बारे में बात करते हैं विद्यासागर के विचार भारतीय और पाश्चात्य चिंतन के सुखद मिश्रण थे वह उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे एवं गहरे मानवतावादी थे और गरीबों के लिए उदार थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यासागर स्टार्टेड मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द विडो देखिए बेटा विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह को लीगलाइज किसने किया था ईश्वर चंद विद्यासागर ने बेटा किसने किया था ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को विडो रीमैरिज विधवा पुनर्विवाह को लीगलाइज कराया था विडो री को बेटा इन्होंने क्या कराया था लीगलाइज कराया था किसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जिनके हस्बेंड मर जाते थे तो वह दोबारा शादी कर लें विडो री यानी कि जो विधवा होती है उनका पुनर्विवाह हो सके उसको लीगलाइज कराया था कौन बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ठीक है तो विद्यासागर स्टार्टेड मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ दीमैरेशन ऑफ द विमैरिजीडर चाइल्ड मैरिज बाल विवाह वगैरह हो जाता था उसके बेटा क्या थे उसके प्रशंसक नहीं थे बल्कि उसके हिंसक थे एंड पॉलीगैमी पॉलीगैमी क्या होता है एक, एक इसके भी ये खिलाफ थे कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता एक रानी अनेक राजा है ना कभी यह समाज में नहीं सुनने को मिला था एक रानी है, अनेक राजा है। लेकिन बेटा अने, एक राजा, अनेक रानी ये वाले सिस्टम को भी इन्होंने इन, क्या किया था इसके अगेंस्ट गए थे कौन कौन बेटा ईश्वर चंद विद्यासागर अगर इसके बाद बात करते हैं जल्दी जल्दी अगर हम पूरे सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ें तो इसके बाद आते हैं बेटा बाल शास्त्री जाम्बेदकर कौन थे बाल शास्त्री जाम्बेडकर थे बेटा बाल शास्त्री जाम्बेडकर बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने क्या किया है जर्नलिज्म इन बॉम्बे अटैक द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी बेटा जो ब्राह्मण वाद जो चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने बेटा ये आंदोलन शुरू किया था एंड ट्राई टू रिफॉर्म द पॉपुलर हिंदुइज्म हिंदुइजम को सुधारने की बात किए थे ठीक है ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड न्यूज पेपर दर्पण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ही स्टार्टेड बेटा दर्पण दर्पण की दर्पन पत्र, पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी और कहां शुरू की गई थी बेटा बॉम्बे में बॉम्बे में महाराष्ट्र के बॉम्बे में बेटा दर्पण पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी बेटा बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा शुरू की गई थी बाल शास्त्री जाम्बेडकर के द्वारा द्रौपदी के पांच हसबेंड थे तुम लोग ना मतलब पहुंच जाते हो कहीं भी है ना गुड एकाद एक्सेप्शनल देखो द्रौपदी के पांच हसबेंड थे पूर्णिमा जी का कहना है ठीक है बाल शास्त्री जी के बारे में अगर बोले तो बेटा इन्होंने एक पत्रिका स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था बेटा दर्पण ठीक है दर्पण अगर हम बात करते हैं इनको बेटा मराठी जर्नलिज्म का फादर कहा गया है ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कौन कौन बेटा बाल शास्त्री जाम्बेडकर वॉज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म ठीक है मराठा ऑफ मरा नोन एज द फादर ऑफ मराठा मराठी जर्नलिज्म इनको बेटा मराठी जर्नलिज्म का फादर भी कहा गया है जी ठीक है किसे जी किसे बाल शास्त्री जाम्बेडकर को और इसके बारे में अगर हम बात करते बेटा इन्होंने एक और स्टार्ट किया था पत्रिका दिग्दर्शन दिग्दर्शन और बेटा दर्पण दिग्दर्शन और दर्पण बोथ आर रिटन बाय बेटा बो बाय बाल शास्त्री जाम्बेडकर बाल शास्त्री जाम्बेडकर ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं तो ये बेटा इनका क्या थिंकिंग था तो स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी बेटा यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी से सब लोग उस समय चाहते थे कि, कि किसी भी तरह से हम लोग भी अन्य देशों की तरह क्या सके टेक्निकली सोच सके साइंटिफिक सोच सके, सके उसकी बात का इन्होंने क्या किया समर्थन किया है उसके बात का इन्होंने समर्थन किया है नुकुल सैनी नूरपुर हाय सर ओके नुकुल जी हाय वेरी गुड इवनिंग बेटा ठीक है तो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट द एल्फेंस्टाइन कॉलेज बेटा एल्फेस्टॉन कॉलेज के बेटा ये क्या थे पहले हिंदी के प्रोफेसर थे ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ये बेटा ये बेटा क्या थे आपके एल्फिन कॉलेज के पहले बेटा प्रोफेसर थे हिंदी के बिसाइड्स बिसाइड्स अ अ डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ द कोलाबा ऑब्जर्वेटरी कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर के साथ साथ बेटा ये सॉरी एल्फिन कॉलेज के ये उसके बेटा क्या थे उसके ये प्रोफेसर भी थे कौन बाल शास्त्री जाम्बेडकर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आ जाइए बेटा परमहंस मंडली परमहंस मंडली बेटा परमहंस मंडली को किसने शुरू किया था तो परमहंस मंडली 1849 में शुरू हुआ था महाराष्ट्र में शुरू हुआ था फाउंडर कौन थे परमहंस मंडली के फाउंडर थे दादोबा पांडूरांग दादोबा पांडू थे इसके बेटा कौन दादोबा पांडूरांग और बेटा कौन थे मेहताजी जी दुर्गाराम जी दुर्गा राम और बेटा दादोबा परम हंस बेटा परम हंस मंडली के क्या थे फाउंडर थे ये कहां शुरू हुआ था ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था कहां शुरू हुआ था महाराष्ट्र में शुरू हुआ था बेटा ठीक है बिगेन एज सीक्रेट सोसाइटीज दैट वर्क्स टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजियंस एंड सोसाइटीज इन जनरल

कौन सा बेटा आपका सत्यशोधक समाज ठीक है ज्योतिभा फूले बेटा ऑर्गेनाइजेज अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशंस एंड द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी फूले फाउंडेड द सत्य सत्यशोधक समाज इन्होंने क्या किया था इन्होंने सत्य सत्यशोधक समाज को फाउंड किया था सत्य सत्यशोधक समाज को और क्या बोलते हैं तुथ शिखर सोसाइटी सत्य शोधक समाज इज ऑल्सो कॉल्ड शिखर सोसाइटी त्रुथ शिखर सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था कब किया था एटीन में किया था विद द विद्या बेटा बैकवर्ड क्लास इसमें सबका सपोर्ट लिया था किसका सपोर्ट लिया था जितने भी तेली लोग माली लोग ये खुद एक माली थे ये बेटा जो ज्योति भाई पुले थे एक माली थे तेली माली और जितने भी बेटा छोटे समाज के लोग थे बैकवर्ड क्लास के उनको इन्होंने क्या किया था ऑर्गेनाइज किया था एक साथ कौन बेटा कौन आपके ज्योतिबाई फुले और यही नहीं इन्होंने बेटा वुमेन्स के शिक्षा के लिए यानी कि औरतों की शिक्षा के, के लिए महिलाओं की शिक्षा के लिए बेटा इन्होंने सबसे पहली बार ये और इनकी इन, इनके जो पत्नी थी ज्योतिबाई फूले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई इनकी मदद से बेटा महिलाओं की शिक्षा के लिए मतलब प्राचीन आप देख सकते हो सबसे प्राचीन में महिलाओं की शिक्षा के लिए जो पंजाब सॉरी मध्य बॉम्बे में शुरू किया गया था पुना में पहला गर्ल्स स्कूल बेटा इन्हीं की सहायता से किया गया था इनके और इनकी बीबी की सहायता से ज्योतिबाई फुले और बेटा सावित्री बाई फुले ठीक है अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सत्य सुधक समाज के बारे में और अगर हम बात करते हैं मेन ऑफ इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे तो सोशल सर्विस थे और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वुमेन्स वुमेन्स ये women's के बेटा शिक्षा के बारे में बात किया गया है और लोअर कास्ट पीपल्स के शिक्षा के बारे में बात किया गया है ठीक है फूले वर्क बेटा इन्होंने देखो देखो इसके एक, इसके एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं इन्होंने दो काम ऐसा किया था जिससे पूरा दो तीन काम इन्होंने ऐसा किया था जिससे पूरा इसको हिंदुस्तान याद करता है जैसे कि ही वर्क बेटा इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म सार्वजनिक सत्य धर्म लिखा था और साथ साथ गुलामगिरी यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था ज्योतिबाई फूले के द्वारा गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म आर स्टार्टेड बेटा बाई ज्योतिबाई फूले गुलामगिरी और बेटा गुलामगिरी और बेटा सत्य सार्वजनिक सत्य धर्म इन्होंने इसको इस, इसको क्या किया था इंस्पायर किया था बहुत लोगों को इन्होंने कॉमन मासेस को इंस्पायर किया था ठीक है और राम की जगह चूंकि ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा चल रहा था राम भगवान की जगह इन्होंने क्या किया था राजा बलि को क्या किया था भगवान का रूप माना था राम ज़... राम जी के देवता की जगह और इन्हीं को इनके इन, इन कार्यों को लेके बेटा इनको एक टाइटल दिया गया है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा का टाइटल किसे दिया गया है। तो महात्मा का टाइटल बेटा ज्योतिबाई फुले को दिया गया किसे दिया गया है ज्योतिबाई फुले को महात्मा का टाइटल इनके सोशल वर्क को देखते हुए दिया गया है तो गुलामगिरी और बेटा आपका क्या था आ, सार्वजनिक सत्य धर्म इनके द्वारा शुरू किया गया है वोमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं वोमेन्स एजुकेशन के लिए बेटा इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं इनके बाद और इनके बाद और बात करते हैं तो गोपाल देशमुख बेटा गोपाल देशमुख ये पता है कौन थे ये बेटा एक जज थे अंग्रेजों के जमाने में जज थे अंग्रेजों के जमाने में और इन्होंने बेटा एक न्यूज़पेपर पेपर शुरू किया था लोकहित गोपाल हरि देशमुख बहुत बार पूछा है सोशल रिफॉर्म्स को लेके और हिंदुइज्म को जो ऑर्थोडॉक्सी ब्राह्मणिकल टेंडेंसी जो चल रहा था उसके खिलाफ समाज सुधार और उसके जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी चल रहा था उसके खिलाफ इन्होंने बेटा एक सोशल रिफॉर्म शुरू किया था और उसको पेपर में लिखते थे वीकली एक पेपर था लोकहितवादी लोकहितवादी तो बेटा गोपाल हरी देशमुख का क्या है इसका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वॉज अ सोशल रिफॉर्मर्स एंड द रेशनलिस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र ही बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र ही रोड फॉर अ वीकली प्रभाकर अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी बहुत बार पूछा गया है बेटा ये एक जज थे ब्रिटिशर्स जज थे ब्रिटिश के शासन काल के समय में बेटा एक जज साहब थे ये ठीक है तो इन्होंने क्या शुरू किया था uh, महाभक्त जी हाय हाय महाजी ठीक है बेटा तो इन्होंने बेटा लोक हितवादी को शुरू किया था ही सेड इन्होंने कहा था कि अगर धर्म सामाजिक कुरीतियों को नहीं दूर कर सकता है तो धर्म को बदल दो देखो कितनी बड़ी बात है आपको बड़ा अजीब लगेगा अगर आपका धर्म सामाजिक समाज को नहीं सुधार सकता है तो वैसे धर्म को आप बदल दो ही सेड सेड हु बेटा आपके गोपाल हरि देशमुख ने ठीक है और इन्होंने बेटा एक और वीकली स्टार्ट किया था क्या इन्होंने एक और वीकली क्या स्टार्ट शुरू किया था बेटा Hi, क्या किया था? Hi, और साथ साथ हरि देशमुख के द्वारा शुरू किया गया था गोपाल है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मेरे जो एमसी होने वाले हैं इसी पे बेस्ड होने वाले हैं मेरे जितने भी एमसीक्यूज होने वाले कल एमसीक्यू कराऊंगा आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखे कल इसके ऊपर एमसीक्यूज कराऊंगा ठीक है गोपाल हरि देशमुख के बाद बेटा आ जाओ गोपाल गणेश अगरकर गोपाल गणेश अगरकर का नाम जब भी याद आता है तो मुझे एक ही चीज आता है जब मैं पढ़ता था मतलब मैं मैं भी किसी टाइम में स्टूडेंट था बेटा अब तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक चीज बड़ा ही यूपीएससी का एक क्वेश्चन याद आ जाता था जब भी क्वेश्चन को पढ़ता था फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी जिसको लोकमान्य तिलक ने लिखा था बेटा केसरी उसके पहले एडिटर थे ये गोपाल गणेश अगारकर गोपाल गणेश अगरकर बेटा फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी लोकमान्य तिलक के द्वारा ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कभी तो मैं उस समय ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक को पढ़ लिया था पर मुझे दिखा नहीं था आप अच्छी पढ़ा रहे हैं सर ज्योश्ना जी थैंक यू थैंक यू बेटा ठीक है तो गोपाल गणेश अगारकर वॉज एन एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द महाराष्ट्र ही क्रिटिसाइज द ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडिशन एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट

आइए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट है वीवीआई बेटा वीवीआई जो मैं पूछ देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है बेटा ये सब क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले कौन नहीं जानता है इस नाम को गोपाल कृष्ण गोखले कौन नहीं जानता इस नाम को बेटा फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी अ लिबरल लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेटा एक लीडर थे इन्होंने क्या किया था बेटा फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का इन्होंने क्या किया था बेटा स्थापना किया था किसने किसने बेटा आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने ठीक है इन 1905 इन 1905 विद द हेल्प ऑफ एमजी रनाडे इसमें क्या था बेटा नेशनल नेशनैलिटी को बढ़ाने के लिए एक समूह को बनाए थे और उसमें क्या कर रहे थे राष्ट्रीयता को जितने भी जितने भी लोग राष्ट्रीयता को लेकर प्रेरित हो रहे थे सबको ये जोड़े जा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ इसमें बेटा अंग्रेजों के जो ये विदेशियों का शासन चल रहा था उसके खिलाफ इनकी इसमें सोच थी गोपाल कृष्ण गोखले की गोपाल कृष्ण गोखले की हिंदी में भी बताइए ओके मैं हिंदी में ही बता रहा हूं बेटा इंग्लिश में तो बता ही नहीं रहा ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में एम जी नाडे के साथ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या किया था स्थापना किया था समाज का उद्देश्य क्या था बेटा समाज का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरीज को प्रशिक्षित करना सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना था ये एक बेसिकली बेटा फौज तैयार कर रहे थे अपने भारतीय नेशनलिज्म को लेके लाइक भी कर दो सब भैया लाइक भी कर दो ठीक है अब जाओ बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है सोशल सर्विस लीग जब भी क्वेश्चन याद आता है बेटा मुझे तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 का याद आ जाता है आपको समझ में आ गया होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना यानी किसने की होगी तो बेटा जो सोशल सर्विस लीग के फाउंडिंग मेंबर हैं नारायण मल्हर जोशी नारायण मल्हर जोशी वाज़ द फाउंडर ऑफ द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे सोशल सर्विस लीग के बेटा फाउंडर कौन थे नारायण मल्हर जोशी एंड ही ही वाज आल्सो एंड आल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 1920 में बेटा इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की भी स्थापना की थी किसने किसने किया था बेटा आपके नारायण मल्हर जोशी साहब ने किया था नारायण मलहर जोशी साहब ने किया था ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मूवमेंट बेटा रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंस और बेटा स्वामी आर इंटरडिपेंडेंट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट बेटा बोथ आर इंटरडिपेंडेंट क्लास नहीं हो रहा है क्या हाँ बेटा अब वो क्लास अभी बंद है अभी बंद है, काफी बच्चे बारह बजे वाले में नहीं अटेंड कर पा रहे थे ड्यू टू देर बेटा कॉलेज और समथिंग एल्स क्योंकि वो बेटा वर्किंग आवर होता था इसलिए मैंने उसको अभी बंद कर रखा है अभी पांच बजे ही क्लास चलेगी बेटा अभी केवल पांच बजे ही क्लास चलेगी ठीक है तो बेटा रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा बात कर लेते हैं द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंसिडर टू द हाइस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू द हिंदूज रामकृष्ण परमहंस को बेटा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना कहा जाता था कि उनको वैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इतने उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जितना किसी भी हिंदू को उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई थी ठीक है अगर हम बात करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था तो दे हैव टू ऑब्जेक्टिव्स देखो बेटा ये ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे ना जो जो थे मौंक मतलब होता है जो सब चीज का त्याग करके किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो जैसे वेद की वेदांता के बारे में बात किया गया है तो वे ऐसे शिक्षणों को खोज रहे थे जो मॉन्क हो और ये सारे जितना वेद के बारे में है लोगों तक ये बात पहुंच सके वैसे मोंक का इनको तलाश था साथ ही साथ बेटा ये मतलब इनका पहला क्या था त्याग और व्यवहारिक अध्यात्मिकों के जीवन के लिए समर्पित भिक्षु के एक समूह को अस्तित्व में लाने के लिए जिसमें से शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को, को वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के लिए फैलाने के लिए भेजा जाए जैसे कि रामकृष्ण के जीवन में दिखाया गया है और दूसरा क्या था बेटा उपदेश परोपकारी और धर्मार्थ कार्यों को करने के लिए शिष्यों के साथ मिलकर सभी पुरुषों महिलाओं और बच्चों को जाति पंथ रंग के बावजूद दिव्य की सत्य अभिव्यक्तियों के रूप में देखना चाहते थे ये मतलब उनका थिंकिंग था रामकृष्ण परमहंस का कि इस चीज को ऐसे तरीके से फैलाया जाए जो इस धर्म को फैलाना चाह रहा है जो भी मोह लोग हैं वो सारे लोग इस चीज को आए और इसको फैलाए साथ साथ इसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो ना बच्चे के साथ ना पुरुष के साथ ना महिला के साथ ना रंग के साथ ना कलर के साथ किसी भी चीज का नहीं हो तो फर्स्ट वाला पार्ट तो उन्होंने कर दिया लेकिन सेकेंड वाला पार्ट जो था ना कि किसी के बीच में किसी भी तरह का भाव नहीं हो इसको स्वामी विवेकानंद ने बेटा पूरा किया था स्वामी विवेकानंद ने ठीक है स्वामी विवेकानंद ने अगर हम बात करते हैं परमहंस हिमसेल्फ लेड द फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मठ परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस थे इन्होंने खुद ही बेटा रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी ठीक है रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी किसने की थी उन्होंने खुद किया था ठीक है एंड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव द सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज टेकन बाय द स्वामी विवेकानंद आफ्टर द रामकृष्ण डेथ रामकृष्ण का जब डेथ हो जाता है तो उसको कौन शुरू कर उसको कौन आगे लेके चलता है बेटा स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ठीक है अब आ जाओ बेटा स्वामी विवेकानंद बहुत बार पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था नरेंद्र चाइल्डहुड नेम चायल्थूड नेम चाइल्डहुड इनका क्या था नरेंद्रनाथ दत्त इनको बचपन में नरेंद्रनाथ दत्त कहा जाता था हु लेटर केम टू बी नोन एज द स्वामी विवेकानंद स्प्रेड रामकृष्ण मिशन मैसेज रामकृष्ण को ही इन्होंने आगे और बढ़ाया था और बेटा इनका एक बात मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगता है स्वामी विवेकानंद का ही सेड अगर कोई भूखा है तो उसे धर्म की धर्म की बात मत सिखाओ अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने भगवान को इंसल्ट कर रहे हो इफ देर इज अंगर डोंट टिच द रिलीजियस रिलीजन उसको मत सिखाओ उसको भोजन दो इन्होंने कहा है, ये बेटा सर्विस और बिहेवियर के गैप को दूर करना चाहते थे कौन स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद सर्विस और बिहेवियर के बीच का गैप को दूर करना चाहते थे इनका यह बात बहुत ही अच्छा लगता है बेटा नियो, हिंदुईजम, नियो हिंदुईजम। इन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसी माता है भारत एक ऐसी माता है जहां पे दो जंक्शन दो धर्म मिलके इसको क्या कर सकता है बेटा ऊपर ले जा सकता है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म मिलके तो न्यू हिंदुइजम की बात इन्होंने किया है बेटा किसने स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भी गए थे ये बेटा शिकागो भी गए थे शिकागो भी गए थे और वहां भी इन्होंने लेक्चर दिया था हाँ जी नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम है ठीक है तो बेटा अगर हम बात करते हैं राम स्वामी विवेकानंद के बारे में तो स्वामी विवेकानंद को किसने शुरू किया था खुद सॉरी सॉरी स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था रामकृष्ण मिशन को आगे किया था और रामकृष्ण मिशन को शुरू किया था रामकृष्ण मठ शुरू किया गया था पर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा ठीक है नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था ठीक है इनके नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था अगर हम बात करते हैं हिज मिशन वॉज टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन सर्विस एंड बिहेवियर एंड बिटवीन द स्पिरिचुअलिटीज एंड डे टू डे ठीक है डे टू डे लाइफ स्पिरिचुअलिटीज को इनका कहना था मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट को मिक्स कर दो और समाज देखो कितना हैप्पी हो जाएगा हार्मनी कर जाएगा यानी कि जो विदेशियों का पश्चिमी देशों का मटेरियलिज्म है यानी कि उनके तकनीक की बात की गई है और हमारे यहाँ का जो बेटा अध्यात्म है उसको अगर हम लोग तकनीक और अध्यात्म को अगर एक साथ कर देंगे ना तो हम लोग का सारा परेशानी दूर हो जाएगा ये बात कहा था स्वामी विवेकानंद ने यह बात कहा था स्वामी विवेकानंद ने ठीक है एट द पार्लियामेंट रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो शिकागो में बेटा इन्होंने कब किया था अठारह सौ तिरानवे ईस्वी में स्वामी विवेकानंद मेड ग्रेट इंप्रेशन ऑन द पीपल बाई लर्न इंटरप्रिटेशन ठीक है कृष्ण मिशन इन्होंने रामकृष्ण मिशन का बेटा फाउंडेशन किया था ठीक है आफ्टर दैट विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ह्यूमेनिस्ट एंड यूज द रामकृष्ण मिशन फॉर ह्यूमेनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क द मिशन स्टैंड फॉर द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म विवेकानंद एडवोकेट द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस इन्होंने किस चीज की बात की है सर्विस की बात की है बेटा सर्विस की डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस की बात की है किसने बेटा स्वामी विवेकानंद ने ठीक है तो यहां तक रहने देते हैं आ, अभी विजय सर की क्लास होने वाली है छह बजे से तो अभी यहां पे इसको समाप्त करते हैं बेटा कल हम लोग ईश्वर दयानंद सरस्वती से लेके आठ दस और बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे सोशल रिफॉर्म्स को सोशल रिफॉर्मर्स को एक बार सारे बच्चे सारे बच्चे मैसेज करके बताइए कमेंट करके बताइए बेटा कि कैसा लगा सेशन आप सभी को सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट का ये आप लोगों को सेशन कैसे लगा एक बार सारे बच्चे मैसेज करके बता दो बेटा कमेंट करके बता दो एक बार सारे बच्चे बेटा कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं सभी को समझ में आया कि नहीं सभी को एक बार बता दो थैंक यू महाभक्त जी ओके okay. एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आया कि नहीं वेरी इंफॉर्मेटिव पूर्णिमा चौहान जी थैंक यू थैंक्स महाभक्त जी uh, भैया भा, अच्छा सर uh, भैया अच्छा सर ओके okay, बहुत अच्छा था ठीक है अनुष्का सैनी जी थैंक यू सारे बच्चे भैया कल आप लोग पांच बजे फिर से आ जाइए और टाइम पे आइए बी ऑन द टाइम बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा ओके अनुष्का जी बेटा बी ऑन द टाइम सब लोग समय पे आ जाइए यस सर ओके मुस्कान जी प्रियंका कौर बहुत बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था याद भी हो रहा हो गया ऋचा जी बोल रही है याद भी हो गया ओके थैंक यू ऋचा जी इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और सारे बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट है अब तो दो ही घंटा आप लोग को क्लास करना है सुब्रत सर का एक सुबह में आ, करेंट अफेयर्स का और एक अभी बेटा हिस्ट्री का तो दोनों क्लास को बेटा आप लोग ज्वाइन कीजिए आठ से नौ करेंट अफेयर्स है और पांच से छह बेटा क्या है आपका हिस्ट्री की क्लास चल रही है चलिए इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और कल फिर से मिलते हैं इसी को आगे के साथ चलिए जय हिंद जय भारत जय मा सरस्वती